आप खुद करा रहे हो, बदला किससे लोगे? उनको शर्म आनी चाहिए कि वहाँ हमारे सैनिक मर रहे हैं और आप जो है जश्न मना, आप जो है G20 का जश्न मना करके 4,000 करोड़ आप जो है खर्च करके आप साबित क्या करना चाहते हैं कि ये जो 1,000 करोड़ 8,000 करोड़ खर्च हुआ उससे जनता को क्या मिला? लॉलीपॉप हमारे घंटा बजाने के लिए, हम जंतर मंतर पे शोर मचाने के लिए हम क्या करेंगे? जनता को रोजगार नहीं, जनता को शिक्षा नहीं, और आप कह रहे हो पकौड़ा बेच करके मैं विश्व गुरु बन जाऊंगा। ये किस तरह का विश्व गुरु की बात कर रहे हैं? वो वन नेशन और वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, पहले करते ना, और 2024 के बाद करते ना। आप 2024 में क्यों कर रहे हो? क्यों 2024 में कर रहे हो? आपकी नीयत खराब है, आप नफरत की राजनीति कर रहे हो, आप गद्दी में बचाना चाहते हो, इलेक्शन कमीशन को पॉकेट में रखना चाहते हो, आप जो है आरएसएस के उंगलियों पे नाच रहे हो। आप सिस्टम को बदलो ना, आप संविधान को बदलने की बात कर रहे हो, आप जो है लोकतंत्र को खत्म कर करके आप जो है मनुस्मृति में लाना चाहते हो, 1500 साल पीछे हमें धकेलना चाहते हो, फिर से गुलाम बनाना चाहते हो, हर मिनट कपड़ा बदल करके फोटो सेशन करके देश विदेश घूम करके गुंडे बदमाशों के साथ मीटिंग करके हम जो है कह रहे हैं हम विश्व का बहुत अव्वल हो गए, विश्व गुरु हो गए। ये किस तरह का विश्व गुरु की बात कर रहे हैं? भारत की संस्कृति यही कह रहा है, यही कह रहा है कि माताओं के साथ आप रेप करो और गौ माता का मूत्र पियो। अरे आप पियो ना, आप गोबर खाओ ना, खा के दिखाओ। नमस्कार, मैं ब्यूटी गई और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। जिस तरीके से देश में माहौल बना हुआ है ऐसे में, और आज जो है प्रधानमंत्री का जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा है, माहौल कई तरीके से गंभीर है। सेनाओं का शहीद होना, उस पर प्रधानमंत्री का फूल वर्षा करना और तमाम चीज़ें, बावजूद उसके जो है अभी जो है एक तरफ बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है, एक तरफ प्रधानमंत्री का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे, बधाई दी कि नहीं जन्म दिवस की? भाई बधाई तो देनी चाहिए, किसी का भी जन्मदिन हो, चाहे नफरत फैलाने वाले हो या जो है प्यार से फूल बरसाने वाले हो। आज जो है प्रियार जी का भी जन्म दिवस है, और जिन्होंने नफरत को ख़त्म करने की आवाज़ दी, जिन्होंने जात पात ऊंच नीच की बात को ख़त्म करने की बात की, आज उसकी बात नहीं हो रही है, मोदी जी की बात हो रही है। मैं कश्मीर से 7 दिन होकर के आया हूँ, वहाँ हमारे 3 जवान हमारे शहीद हुए और 2 तथाकथित आतंकवादी था या नहीं उनको मार करके बाबा ही ले रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि वहाँ हमारे सैनिक मर रहे हैं और आप जो है जश्न मना रहे हैं, आप जो है G20 का जश्न मना करके 4,000 करोड़ आप जो है खर्च करके आप साबित क्या करना चाहते हैं? जनता का टैक्स, जनता का लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा, जो जवान शहीद हुए उनका बदला लिया जाएगा। बदला लेंगे, आपने पुलवामा का भी मामला आ गया ना सत्यन मलिक का कि ये सरकार ने किया, आप खुद करा रहे हो, बदला किससे लोगे? आप जो है उन लोगों से जो लोग उसमें नहीं है। आप बेवजह किसी को कश्मीरी किसी को पाकिस्तानी करके, मैं वहाँ देखा अमन शांति के साथ कश्मीरी लोग अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना दुकान चला रहे हैं, अपना वहाँ रहना चाहते हैं, आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। और अगर आप शांति चाहते हो तो वहाँ पे चुनाव क्यों नहीं करा रहे? मैं कह रहा हूँ चुनाव कराइए, और वहाँ पे आप जो है तो रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, वो इसलिए कर रहे हैं कि उनका जो है कार्यकाल 1 साल बढ़ा लें और अपनी मनमर्जी लाल किला पे जा करके भगवा फहराएं 15 अगस्त को। इसीलिए वो वन नेशन और वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, पहले करते ना, और 2024 के बाद करते ना। आप 2024 में क्यों कर रहे हो? क्यों 2024 में कर रहे हो? आपकी नीयत खराब है, आप नफरत की राजनीति कर रहे हो, आप गद्दी में बचाना चाहते हो, आप जो है आरएसएस के उंगलियों पे नाच रहे हो, उसके पीछे 40 देश है उसके उंगलियों पे नाच रहे हो। आप नहीं चाहते जनता का पैसा बचे, देश का पैसा बचे, कैसे बचेगा? आप G20 किया, 4,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ, जनता को घर में बैठा दिया, प्लेन
चेंज हुआ, हमारा जो है बसें रोक दी गई, हमारे पब्लिक को सड़क पर नहीं आने दिया गया, और आप जश्न मना रहे हो अपने पैसा से, क्या क्या अपना सैलरी छोड़ा, क्या अपना जो है वेतन छोड़ा, क्या आपने नहीं छोड़ा, भत्ता नहीं छोड़ा, आपने जनता का टैक्स 4000 करोड़ जो सरकारी आंकड़ा है, और सरकारी आंकड़ा के आगे क्या पता 4000 करोड़ और खर्च हुआ होगा, तो 8000 करोड़ जो आपने 18 मेहमानों को, एक एक मेहमान को एक एक होटल दिया गया, उनको जो है 2-2 करोड़ की गाड़ियों में घुमाया गया, ये क्या मामला है? आप देश को बेच रहे हो और सम्मान के, हमें बताइए ना कि ये जो 1000 करोड़ 8000 करोड़ खर्च हुआ उससे जनता को क्या मिला? लॉलीपॉप हमारे घंटा बजाने के लिए, हम जंतर मंतर पे शोर मचाने के लिए हम क्या करेंगे? आपने कहा टुकड़े टुकड़े गोंग आवाज दो, आप आवाज करते रहो, हम कुर्सी में बैठे रहेंगे, हम राज करते रहेंगे, तुम अगर उनको डर लगता है कि कहीं हम 5 राज्यों में हार ना जाएं, तो वन नेशन इलेक्शन में 5 राज्यों का आप चुनाव भी टालना चाहते हो, आप जो है जनरल असेंबली का चुनाव टालना चाहते हो, तो ये तमाम पैसा बचाना चाहते हैं, वो पैसा बचाना चाहते हैं, का देश का सबसे पैसा बचाना, आपको मालूम हो चाहिए कि आसाम के चीफ मिनिस्टर जिसकी बीबी हाउस वाइफ है, जिनके नाम से एक एक जमीन नहीं है, उनको 10 करोड़ मुआवजा किस बात का दिया गया? पैसा बचाइए ना, आपने पैसा बचाना था तो GTV के मालिक को 800 करोड़ लोन लिया, 500 करोड़ माफ कर दिया, पैसा बचा लिया आपने, आपने अडानी को 11 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया, पैसा बचा लिया, आप 129 कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे हैं, दो साथियों कोई राष्ट्रहित में कदम होगा, कोई ना कोई राष्ट्रहित में कदम, कौन सा मुझे आप जलनिश महोदय आप ही बताइए राष्ट्रहित में कौन सा, सबसे बड़ा राष्ट्रहित हर मिनट कपड़ा बदल करके, फोटो सेशन करके, देश विदेश घूम करके, गुंडे बदमाशों के साथ मीटिंग कर करके, हम जो है कह रहे हैं हम विश्व का बहुत अव्वल हो गए, विश्व गुरु हो गए, जनता को खाना नहीं, जनता को कपड़ा नहीं, जनता को स्वास्थ्य नहीं, जनता को रोजगार नहीं, जनता को शिक्षा नहीं, और आप कह रहे हो पकौड़ा बेच करके मैं विश्व गुरु बन जाऊंगा, ये किस तरह का विश्व गुरु की बात कर रहे हैं? योग करके, योगा करके विश्व गुरु बनेंगे, बहुत अच्छा, तो योगा करके, योगा करके एक आग से कनखी मार करके करोड़ों अरबों रुपए लूट लिए ना, गाय का जो है मूत्र पिला करके लोगों को, भारत की संस्कृति है, भारत की संस्कृति बाहर विदेशों में फैलाई जा रही है, भारत की संस्कृति यही कह रहा है, यही कह रहा है कि माताओं के साथ आप रेप करो और गौ माता का मूत्र पियो और आप जो है उसका गोबर खाओ और खुद 56 भोग खाओ, अरे आप पियो ना, आप गोबर खाओ ना, खा के दिखाओ, आप जनता को गुमराह कर करके, आप जो है बहुत संख्यक के अधिकारों को छीन कर करके, उसको टुकड़े टुकड़े गैंग बता करके, उनको अलग अलग बांट कर करके, आप राजनीति कर करके सत्ता में बैठे रहना चाहते हो और जबरदस्ती बने रहना चाहते हो, EVM में लूट करके बनना चाहते हो, इलेक्शन कमीशन को पॉकेट में रखना चाहते हो, ED और इनकम टैक्स को पॉकेट में रखना चाहते हो, और आप कहते हो देश बहुत आज़ाद कर रहा है, हमारे नौजवानों को बहुत मिल रहा है, नौजवान बेचारा मर रहा है, रोजगार है नहीं, आप उनको कह रहे हो पकौड़ा बेचो, थाली बजाओ, और यही कल 18 से 23 तक ये यही करेंगे, महिला बिल पास किया, UCC पास किया, ये किया, महिलाओं का बिल पास हो, और क्या महिलाओं का बिल पास हो, नहीं चाहते या चाहते तो सब कुछ है, हम तो कहते हैं 85% का हिस्सा दो ना, आप महिला और पुरुषों को आप लड़ाना चाहते हो, आप घर के अंदर गला कराना चाहते हो कि भाई महिला को हमने ये दे दिया, यही तो खेला था 3 तलाक का गेम, और यही तो का अधिकार मिल जाएगा तो घर में लड़ाई होगी, बराबरी का अधिकार दो ना, हमें 85% का हिस्सा चाहिए, हमें भागीदारी चाहिए 85% का, 3% तुम हो उसमें गरीब हो ले 3%, आप कहते हो उच्च हिंदू हम कौन है तो 3%, और बाकी 7-8% कौन है जो क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, वो निम्न हिंदू हैं, और बाकी कौन है शूद्र हैं, अरे हम सब शूद्र हैं, अरे हम शुद्ध लोग हैं जो हम खेती करते हैं, हम काम करते हैं, हम टैक्स देते हैं, हमारे पे टैक्स 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 लिया जाता है, आपको पता है कि अंग्रेजों ने जो नियम बनाया था, कमिश्नर का मतलब कमीशन खाने वाला, समझे, तहसीलदार तहसील करने वाला,
समझे, कलेक्टर कलेक्टर करके टैक्स इकट्ठा कर करके अंग्रेजों, वही सिस्टम आप कर रहे हो। आप सिस्टम को बदलो ना, आप संविधान को बदलने की बात कर रहे हो। आप जो है लोकतंत्र को खत्म कर करके आप जो है मनुस्मृति में लाना चाहते हो, 1500 साल पीछे हमें धकेलना चाहते हो, फिर से गुलाम बनाना चाहते हो। तो हमारा नौजवान अब जाग गया है, अब मर जाएगा, शहीद हो जाएगा, लेकिन उसकी गुलामी कतई ही बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है जी, क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, आज पेरियार जयंती है और पेरियार रामास्वामी नावकर की जयंती पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो आज पेरियार की जयंती मनाई गई, ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो परिकल्पना है इनकी, ये उसके लिए सबसे बड़ा आघात साबित होगा। जिस तरह एमके स्टालिन के बेटे दयानिधि स्टालिन ने बात कही है कि सनातन को समाप्त होना चाहिए, डेंगू है, मलेरिया है, जो भी है, तो हम समझते हैं कि उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है और इसको समाप्त हो जाना चाहिए, जिसमें असमानता है, भेदभाव है, ऊंच नीच है। और पेरियार का वो फॉर्मूला कि जिस तरह से ईश्वर भगवान मूर्तियों को पकड़ पकड़ के, सनातन समाप्त होना चाहिए कि सारे धर्म समाप्त होने चाहिए? धर्म तो एक ही है, सनातन हिंदू ब्राह्मण धर्म ही सनातन है, वही सनातन है जो भी है उनके। एक्चुअली अगर सनातन की परिभाषा देखें, सनातन तो बुद्धिज्म है, जो हकीकी बुद्धिज्म है, जो भारत की पहली परंपरा है। ये चोर कम्युनिटी है, जो ब्राह्मण समाज है वो असल में चोर है, उसने चोरी की है, पूरी सांस्कृतिक चोरी की है, चोरी करने के बाद अपना नाम दे दिया सनातन, भगवा ले लिया उनका। भगवा जो था किसका था? वो तथा बुद्ध का था, बुद्ध की परंपरा में आती। सम्राट अशोक ने जो बौद्ध स्तूप बनाए थे 84,000, उसको जो है तोड़कर बनाई गई है मंदिरें और सारी चीजें वो बनाते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो हमने बात की तमाम मुद्दों पर, आपने सुना। अब आप अपनी पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी की रीच जनहित आवाज़।